इंदौर सांसद शंकर लालवानी, जनप्रतिनिधि, बीजेपी संगठन और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें कोरोना के बढ़ते केस के विषय में चर्चा हुई। आज की बैठक में निम्न मुद्दों पर चर्चा हुई। सैंपलिंग की संख्या बढ़ने के साथ साथ पॉजिटिव केस भी बढ़े हैं। अंत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कोविड की सुविधा बढ़ाए जाने पर विचार किया गया। मरीजों की संख्या ऐसी ही बढ़ती रही तो कुछ अस्पतालों को रेड जोन के करने पर भी विचार हुआ। कोविड के लिए कुछ और बिस्तरों की आवश्यकता पड़ सकती है। कम या हल्के लक्षणों वाले मरीजों को 3 दिन में डिस्चार्ज किया जाए, इसलिए कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। अभी अरविंदो हॉस्पिटल में भी प्लाज्मा थेरेपी की सुविधा है, कुछ और अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने पर विचार किया जाए। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ मंथन सैन की रिपोर्ट। देखिए, जिस प्रकार से एक पॉजिटिव पेशेंटों की संख्या बढ़ रही है, उसको लेकर चिंता जाहिर की और किस प्रकार आने वाले समय में और व्यवस्था की जा सकती है, चाहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, की बेड की संख्या बनाना हो, आईसीयू में बेड की संख्या बढ़ाना हो और हॉस्पिटल अगर लेने की आवश्यकता हो, इन सब बातों को लेकर हमने प्रशासन से चर्चा की। और जिस प्रकार अभी नया आदेश जो कल निकला, उसमें 3 दिन में जब डिस्चार्ज करते अगर पेशेंट ठीक है तो उसको होम आइसोलेशन में करना है। पर कभी कभी ऐसा रहता है कि होम आइसोलेशन की जगह गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को नहीं है, तो उसके लिए क्या हम होम आइसोलेशन बना सकते हैं? उसमें जनप्रतिनिधि, स्थानीय लोग, हमारे शहर की जो सामाजिक संगठन लोग, वो क्या मदद कर सकते हैं? इन सब बातों को लेके हुई। हम चाहते हैं कि जो जनजागरण अभियान होना चाहिए, और ख़ास करके मैं आपके माध्यम से जनता से कहूँगा कि उन सब बातों का ध्यान रखें जो उसके लिए आवश्यक है, क्योंकि अभी भी कोरोना गया नहीं। जिस प्रकार से पेशेंट बढ़ रहे हैं और भीड़ भी बढ़ रही है, चाहे वो ठेले पे लेने वाले हों, मार्केट में हों या दूसरी जगह हो, मास्क हमने देखा कि अब मास्क नीचे लगा के चल रहे हैं लोग, जबकि उसको प्रॉपर मास्क लगाना चाहिए, ताकि ये अगर चेन टूटेगी तभी हम इस पर विजय प्राप्त करेंगे। एक और बात ध्यान में है कि प्लाज्मा थेरेपी अभी अरविंदो में ही है एक, इससे और भी एक और हॉस्पिटल में भी होना चाहिए, तो उसका प्रपोजल हम सरकार के पास भेजेंगे ताकि और हॉस्पिटल में प्लाज्मा थेरेपी बने। देखिए, कल एक आदेश जारी हुआ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि दवाई बाहर से ला सकता है, आप कंपनी का नाम नहीं लिखना, रेट जो टेस्टिंग है वो 2500 रुपये तय हुआ, और कल का ऑर्डर, बहुत सारी चीज़ें और बाकी बची हुई हैं। कल भी हॉस्पिटल और डॉक्टरों के साथ मीटिंग हुई थी और आज भी हॉस्पिटल मालिकों के साथ मीटिंग है, मुझे लगता है कुछ सकारात्मक हल निकलेगा। देखिए, उसमें प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और हमने कहा है कि जो ये हुआ है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से शहर का वातावरण दूषित होता है, तो प्रशासन से कहा है वो सख्ती से कार्रवाई करेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।